जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं राजेंद्र अजमेर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है, इसमें राजस्थान की जो बीपीएड की जो कॉलेज है वो कौन कौन सी हैं, कहां कहां पर है और कितनी कॉलेज हैं और लगभग सीटें कितनी होती हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपकी जो बीपीएड के जो एडमिशन प्रोसेस है 2023 का, वो शुरू हो चुका है। मतलब कि जो आपके कोटा यूनिवर्सिटी है वो इस बार बीपीएड का जो काउंसलिंग या एग्जाम करवाएगी, अभी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो आपको मतलब थोड़ा इंतजार करना है। और उसके लिए जो निविदा सूचना जारी हो गई है, 25 तारीख तक आप वो उसमें फॉर्म निविदा के, मतलब जो आप ठेका दिया जाएगा, 25 तारीख तक उसमें निविदा मांगी गई है कि जो ये परफॉर्मर रहेगा आप किस प्रकार क्या करोगे। तो 25 तारीख तक तो निविदा मांगी है, उसमें हो सकता है कि आपके अगस्त के जो फर्स्ट वीक से है उसमें आपका जो बीपीएड के जो फॉर्म है राजस्थान के वो चालू हो जाए। तो ये था दोस्तों आपके राजस्थान बीपीएड के जो आपके एडमिशन कब से शुरू होंगे, और दोस्तों जो राजस्थान बीपीएड की कॉलेज कौन कौन सी और कितनी पोस्ट इसमें सीटें रहती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान में सीमित संख्या में सीटें हैं और दोस्तों आपके पास खेल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ओपन नेशनल गेम्स डायरेक्ट खेल के बीपीएड में एडमिशन ले सकते हो, कहां से, अदर स्टेट से। लेकिन राजस्थान में दोस्तों आप ओपन खेल के यहां नहीं ले सकते हो, तो राजस्थान में जो अब नोटिफिकेशन आएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए वही। और डीपीएड की बात करें तो केवल डीपीएड में एसजीएफआई वाला चल रहा है, यानी स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन का ही चल रहा है, बाकी कोई भी नहीं चल रहे हैं। तो 24 जुलाई से आपके डीपीएड के फॉर्म चालू हो गए हैं। और बीपीएड की बात करूं, जो बीपीएड करता है दोस्तों, ये बीपीएड होती है ग्रेजुएशन के बाद में। कब होती है? ग्रेजुएशन के बाद में होती है, 2 साल का जो कोर्स है ये। और दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैंने आपको रास्ता बता दिया कि डायरेक्ट ओपन नेशनल गेम खेलते ही आपका जो है बीपीएड में एडमिशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं हमें। और जो आप अदर स्टेट से करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अगर सोच रहे हैं कि हम तो राजस्थान का पहले इंतजार करेंगे, तो दोस्तों इसमें थोड़ा आप लेट हो सकते हो, लेकिन नंबर आ जाए तो ठीक है, राजस्थान में सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो आपके 20 कॉलेज कितनी है, आपके जो 20 कॉलेज राजस्थान में है उसमें सीटें लगभग कितनी रहती हैं, मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले कॉलेज कौन कौन सी है, कोड नंबर पिछले दे रखे हैं, पिछला वाला मैं बता रहा हूं दोस्तों। इस साल कोई अगर कॉलेज जुड़ती है नई एनसीटी के रूल के अनुसार, तो वो नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आदर्श शारीरिक शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान जो महाविद्यालय है, यह है सोरठ करौली, दोस्तों करौली में है एक। दोस्तों भारत माता फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ किशनगंज जो 12 के अंदर एक कॉलेज है बीपीएड की। उसके अलावा दोस्तों आपके बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विलेज कलवार जोबनेर रोड, जो आपके कालवाड़ तहसील जयपुर की है, ये जयपुर के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों आपका डीडी दालमा आपके शारीरिक शैक्षिक महाविद्यालय जामनोली जयपुर के अंदर है, यानी जयपुर की 2 हो गई। उसके बाद में दयानंद कॉलेज रामगंज अजमेर में है, ये अजमेर की 1 हो गई दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, राजस्थान की जो आरयू है उसके अंदर भी आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जोधपुर के अंदर भी आपकी बीपीएड होती है दोस्तों। वो कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दोस्तों मावली उदयपुर के अंदर एक कॉलेज है, ठीक है। नारायणी देवी वर्मा महिला शारीरिक शैक्षिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भीलवाड़ा के अंदर एक कॉलेज आपकी बीपीएड की कॉलेज है, जो वुमेन लग रही है, महिला लग रही है दोस्तों। पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पैसिफिक हिल्स एयरपोर्ट रोड प्रताप नगर एक्सटेंशन उदयपुर, यानी उदयपुर की 2 कॉलेज यहां पर हो गई है दोस्तों। और दोस्तों राणा प्रताप शारीरिक शैक्षिक प्रशिक्षण महाविद्यालय हीटा बिंदनौर उदयपुर 3 कॉलेज हो गए दोस्तों बीपीएड के लिए। एसडी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन विलेज विराटनगर गणेश जी रोड तहसील विराटनगर डिस्ट्रिक्ट जयपुर की एक कॉलेज यहां पर है दोस्तों। श्री भवानी निकेतन टीटी कॉलेज सीकर रोड जयपुर, श्री द्वारिका शारीरिक शैक्षिक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर नाल के अंदर है, नाल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री नाथ टीचर्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ आपके
बारी बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़। उसके अलावा दोस्तों श्री सनातन धर्म शारीरिक शिक्षा यानी एसडी जो कॉलेज महाविद्यालय केकड़ी अजमेर के अंदर, अजमेर में दो कॉलेज है दोस्तों इसकी, और टाटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर टाटिया में दोस्तों आपके बीपीएड के अलावा आपके डीपीएड के फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो डीपीएड में भी आप एडमिशन अगर आप किसी को लेना है तो टाटिया से आप करवा सकते हैं। लेकिन इस बार जो आपके डीपीएड की हालत बहुत खराब चल रही है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगराड़ चित्तौड़ के अंदर भी बीपीएड है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, भोपाल नोवल्स जो बीएन यूनिवर्सिटी उदयपुर की है वहां पर, और आपके महिला फिजिकल आपके टीटी कॉलेज रिंगस सीकर, महिला है दोस्तों आपकी महिला नहीं है, महिला जो सीकर है वहां पर है। तो ये टोटल जो 20 कॉलेज हैं इसमें दोस्तों आपकी पिछली बार राजस्थान की जो काउंसलिंग के थ्रू उनका नंबर आया था, और इस बार क्या एक दो कॉलेज और हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर एनसीटी ने उनको मान्यता दे दी है भाग देते, लगातार कुछ आवेदन भी आए थे उनके पास में, तो उनका भी जो जिक्र है वो बाद में कभी कर लेंगे। तो दोस्तों लगभग इनमें लगभग 1800 से 2000 की जो सीटें हैं वो रहने वाली हैं, कितनी 1800 से 2000 की सीटें हैं बीपीएड के लिए राजस्थान में। जो न्यूनतम सर्टिफिकेट की बात यहां पर करें कि सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, तो आपका कोई सा भी मिनिमम आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का चाहिए और ऊपर भी हो सकता है, उसके अंक उसमें जुड़ जाएंगे आपके नंबर मतलब इसमें बीपीएड के एडमिशन प्रोसेस में। न्यूनतम क्या चाहिए आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। फिजिकल इसमें होगा 2200 मीटर दौड़ हुई थी पिछली बार, इस बार का पता नहीं, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी दोस्तों इसमें मिनट है, केवल दौड़ है, क्वालिफाई है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। क्या नंबर नहीं जुड़ेंगे, तो सर्टिफिकेट मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे से खेले हो आप, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। इंटर कॉलेज हो चलेगा, इंटर यूनिवर्सिटी हो चलेगा, या फिर दोस्तों किसी प्रकार के चलेंगे, लेकिन जो आपके ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है उनके जो सर्टिफिकेट वो यहां पर नहीं चल रहे। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी संपूर्ण बात, और बीपीएड में जो भी आप नया नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही दोस्तों कुछ डिटेल आपके सामने मतलब कहीं भी आती है तो मैं सबसे पहले आपके समक्ष लेकर आ जाऊंगा। और दोस्तों किसी को भी अगर बीपीएड करनी है अदर स्टेट से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आउट में नंबर दिए गए हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, जितने भी न्यूज है उसकी पेपर कटिंग और ये लिस्ट मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप वहां से डाउनलोड कर ले। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।